हेलो गाइस, मैं रुखसार सर, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चैनल को ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो का टाइटल। राज न्यूज का वीडियो टाइटल है मोदी के इस प्लान ने पाकिस्तान की बजा दी खतरे की घंटी। सर भैया, आज आप लहजा धीमा धीमा है, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्यों, क्या हुआ आज जो है ना वो आपके अंदर? यार व्यूज नहीं है, कम हो रहे हैं। चलो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। ये भारत जो अभी जारहियत कर रहे हैं किशन गंगा डैम, रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा रहा है? जियो पॉलिटिक्स हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स का ये था कि हमसे नाक रगड़वा के हमें चीन से दूर कर दिया जाए। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि किस तरीके से पूरी दुनिया भारत को, हिंदुस्तान को वेलकम कर रही है। हमें खुद अपने तौर पर क्या करना पड़ेगा, हम रिलाय तो नहीं कर सकते ना उन पर कि जो काम 75 साल में पाकिस्तान का अजली दुश्मन नहीं कर सका वो इस सियासी टोले ने कर दिया। बिल्कुल। कि आज से तकरीबन 5 या 6 महीने पहले भारत की हुकूमत ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को आगाह किया कि उसकी ख्वाहिश है कि 1960 में जो वायदा हुआ था सिंतास उसको रीनिगोशिएट किया जाए, क्योंकि कुछ नए हकायक्स आए हैं। उसमें उन्हें सबसे ज्यादा जो मसला है वो उसका एक आर्टिकल है जो कि ये तय करता है कि अगर पाकिस्तान और भारत में इस मुआहदे के हवाले से कोई कजिया खड़ा हो जाए तो वो कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट पे दोनों रजामंद होकर फैसला कर सकते हैं। वो ना हो तो जी सालसी के लिए आर्बिट्रेशन जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो जहां प्ले करेगी। ठीक। बहुत सारे एतबार से अगर देखा जाए तो ये जो मुआहदा था इटसेल्फ, मैं समझता हूं कि कोई लॉन्ग टर्म में शायद ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में भी नहीं था, मेरा ये ख्याल है। अच्छा, लेकिन ये मेरा जाती मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं इसमें क्या हुआ कि वो जो सो कॉल्ड इंडस सिस्टम के जो मशरकी दरिया हैं सारे के सारे वो इंडिया को दे दिए गए। उनमें मैं लाहौर का बासी होते हुए, आप क्या कहते हैं जी कि रावी के किनारे लाहौर, तो रावी तो आपने इंडिया को दे दिया, तो लाहौर आज से 100 साल बाद जो है वो उसका पानी कहां से होगा? कभी आप सोच सकते हो कि लंदन जो है वो टेम्स के बगैर हो, न्यूयॉर्क हडसन के बगैर हो? हो सकता है कभी पेरिस सेन दरिया के बगैर हो? बहरहाल एनीवे जो हुआ सो हुआ, उसको तो एक अलग बात है। जैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उसी मुआहदे में ये बात हकीकत है कि भारत को यह हक हासिल है कि वो कश्मीर में बिजली पैदा करने के लिए या अपनी जरूरत के लिए रन ऑफ द रिवर इसको कहते हैं कि आप उसमें बिजली के मनसूबे लगा सकते हैं। देयर इज नो डाउट उसमें है, लेकिन होता ही है हमारिया कि आप उस वक्त तक पानी में वो तेजी नहीं ला सकते जब तक आपको बंद ना बनाए। तो अगर आप छोटे छोटे डैम बनाए तो शायद हमें इतना मसला ना हो। अब इन्होंने पहले किशन गंगा में भी 330 मेगावाट बिजली थी। ठीक है, अब उसमें चक्कर क्या है कि किशन गंगा जब ये इंडिया में होता है यह दरिया तो ये किशन गंगा कहलाता है, जब हमारे आता है आजाद कश्मीर में तो नीलम होता है। अब इन्होंने इसमें ये जो प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ उसमें ये है कि वो पानी नीलम का कम हो जाएगा, और जो हमारे हिस्से में नीलम का पानी था वो चूंकि इंडियन टेरिटरी में जाता है तो वहां डैम में से निकाल के तो वो ये झेलम में देते हैं। वो कहते हैं जी आपके हिस्से का तो पानी इतनी क्वांटिटी थी ना वो हमने झेलम में डाल दी वापिस। अब किश्तवाड़ है, अब चनाब जो हमारा मेन इस वक्त जो दरिया है जो हमें सबसे ज्यादा जिसमें हमारा इन्हिसार है इंडस खुद पे तो वो इतना नहीं कर रहे हैं, अब चनाब पे वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में रैतले डैम बनाना चाह रहे हैं। अब जाहिर है उसमें 850 मेगावाट बिजली बनानी है। अब जाहिर है बाबू, जब आपने 850 मेगावाट बनानी है तो आप बड़ा डैम बनाओगे फॉर श्योर, जिसमें आप जो है वो पानी कम से कम बहुत ही कम रखो तो 8-10 दिन तो जखीरा करोगे ना, तो फिर छोड़ोगे ताकि उसमें आए। तो चनाब का एक हवाले से
तकरीबन कंट्रोल उनके पास उधर चला जाएगा। इतना बड़ा जो आप मसला बता रहे हैं, मुझे बताएं कि हमारी हुकूमतों को इस चीज का एहसास है, दे आर डूइंग समथिंग, इनको वी आर डूइंग एज ए नेशन एनीथिंग या नहीं? नहीं, हुकूमत ने तो किया, वो गई आलमी अदालत में, केस किया आलमी अदालत ने, कहा हाँ, लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो मामला तो चलेगा, इतना आसान नहीं है। वर्ल्ड बैंक इसमें शामिल है, उसकी ये लिखा हुआ मुआहदा है, इंडिया के बड़े नाज नखरे होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हैविंग सेड दैट, हमने, मैं समझता हूँ, मैंने और आपने एक मीडिया के तौर पर नहीं बताया कि भाई साहब अब चनाब का पानी 850 मेगावाट की खातिर उस पर कंट्रोल आ रहा है रेतली डैम के नाम पे। अब हम ये अवेयरनेस करेंगे तो हमारे यहां देखो आजकल पूरी दुनिया में एक बड़े आइडियल माहौल है कि क्लाइमेट एक्सचेंज की बात हो रही है, और हमारे पास, हम इत्तेफाकन, हमारी बदबख्ती, लेकिन थोड़ा सा एक यानी उम्मीद का पहलू यह है कि दुनिया ने देखा कि इस मौसमियाती तब्दीली का पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता बरस जो गैर मौसमियाती बारिशें हुई और तबाही आई, जो तबाही फैली, दुनिया ने देखी है, सबने देखी। हम उसी की बेस पर हमने थोड़ी सी अवेयरनेस, पाकिस्तान आया है कि यार हाँ भाई यहाँ पे ये खतरे में है, ये इश्यूज में आ रहा है, उसी को बेस बनाकर हम दुनिया भर के एनवायरमेंटल लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं उनको हम। लेकिन अगर हम, मैं स्क्रीन पे बैठा हुआ, मैं फैसल करीम कुंडी की फरोई गुफ्तगु तो डिस्कस करूंगा, मैं इस बात पे 10 मिनट लगा दूंगा, ओए तरीके इंसान में बैन करने लगे देखो जी पार्लिमान, लेकिन इसलिए उसमें रेटिंग आती है जी नजर बजायर, क्योंकि कौम है वो तकसीम हुई, कह दिया जी आज कौन अपना छोटो बना टोकरियां लेने, हाँ मारिया ठीक है सही की मारिया, मिटाएं सर नफरतें मिटाने, भैया नफरतें मिटाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि चनाब का पानी बिल्कुल तुम्हारा अगर कंट्रोल उधर चला गया 850 मेगावाट कि जो काम 75 साल में पाकिस्तान का अजली दुश्मन नहीं कर सका, वो इस सियासी टोले ने कर दिया बिल्कुल। और जब हम फ्रांस की बात करते हैं या डिफेंस या स्पेस रिलेटेड कुछ डील्स होती हैं, या हम अपने आप को या भारत अपने आप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, या फॉरेन पॉलिसीज इतनी अच्छी है कि सारी दुनिया बुलाती है, तो मुझे लगता है कि इसको पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। और इससे जो दुनिया को एक मैसेज जाता है, उन तमाम मुल्कों के लिए भी एक मैसेज है जो कहीं ना कहीं अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं दुनिया के उस स्टेज पे, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या किया जाए, फॉरेन पॉलिसीज कैसी हो कि इस तरह से वेलकम हो हर जगह पे। तो जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये हैं कि डॉलर बढ़ता जा रहा है, बिजली के निर्ख बढ़ चुके हैं, 50 रुपए फी यूनिट पर आ चुकी है। ऐसे में जो IMF की शरायत हैं, फिर उनकी जो उम्मीदें हैं, हम कैसे पूरे उतरेंगे उसके ऊपर, स्टेबलाइज होगी कैसे इकॉनमी? वेल, IMF तो कुछ ऐसा नया नहीं कह रहा जो वो पहले इतने अरसे से, इतने 1950s से जो हम उनके साथ उनके क्लाइंट हैं, वो तब वही कहते थे और आज भी वो यही कह रहे हैं, और वो बातें सारे जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। टैक्स बेस अपनी ब्रॉड करें, आप लोग ये जो सब्सिडीज देते हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम करते हैं ये करें, अपने पॉलिटिकल कैपिटल को सेकेंडरी करें एंड गुड ऑफ द पीपल, मैक्रो इकोनॉमी को देखें। ये तो मतलब अब हर लेमैन को पता है कि असल में प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान की। वीडियो ही खत्म, बाकी मैं सारी बातें बाद में करूंगा, वो हमें सबको पता है, इंडिया को भी पता है, इंडिया के रहने वालों को भी पता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है और नए से नए प्रोजेक्ट्स कर रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की फट रही है, जल रहा है, धुआं पीछे रह रहे हैं, धुआं निकल रहा है पाकिस्तान से। बाद में करूंगा सलीम साफी के उस एक छोटे से क्लिप पर, उसने बात की, बात का बात उसने की किस तरह है, उसका लुबल बाप क्या था, उसने कहा था कि हमारा अजली दुश्मन, उसका पॉइंट था इंडिया की तरफ। मैं अब इसको क्या यार कहूँ, अजल से अजल हम हमारे दीन में एक मिनट मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं खुद ही उनके सामने रख दूँगा उसको सोच के क्या पैमाना क्या है। अजल का मतलब है कि जब से ये दुनिया बनी है, हमारे नज़दीक सबके सब नज़दीक यही है कि जब से ये दुनिया का निज़ाम चला है, जब से ये दुनिया का पहला पाकिस्तान बना, एक मिनट यार, जब से पहला इंसान इस धरती पर आया, पैदा हुआ या बना जिस तरह भी था, तब हम उसका कहते हैं अजल और अबद कहते हैं क्यामत।
पता है उसके कहने का मतलब ये था कि जब पहला इंसान इस धरती पर आया था या बना था या पैदा हुआ था, जो भी जिस मजहब में जिसका जो भी कीता है, तब से लेकर आज तक इंडिया हमारा दुश्मन है। लख दी लानत इस साफी पर। सर देखें कि कब असली दुश्मन कब है ना, पाकिस्तान में सबसे कमीना और घटिया आदमी है तो ये वही है, ये पाकिस्तान में सबसे और घटिया तरीन आदमी ये सहाफी है, सलीम सहाफी। इनको कुछ पता ही नहीं होता है, वैसे बक झक कर देता, ठीक है ना। इनकी बातों से मैं कहता हूँ मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। अबे पाकिस्तान को पैदा हो गए, बोल रहा था जो 70 साल हुए, 75 साल से नहीं कर रहा, वो इस सियासतदानों ने कर दिया। फिट है तेरी सोच पे, जिस तरह की आपकी सोच है, घटिया और कमीने इंसान। ये जो है ना इतना मैं कहता हूँ गिरा हुआ है ना, मैं जितना बोलूंगा यार बूट पॉलिश करता है, ये मतलब है बूट पॉलिश करता है, ये चमकाता है। इस जैसे बगैरतों को कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है ना, अपनी मर्जी के बक झक करते हैं। यार ये देखें कि आप इस, आपने भी पाकिस्तानी कुत्ता रखा हुआ, मेरी बात मेरी बात कुत्ता रखा हुआ है बस, ये भौंकना इमरान खान को, इमरान खान को बुरा भला कहना, वन साइडेड ये साफी है इस तरह का है। बताओ तुम क्या कह रहे थे? मैं बात कर रहा हूँ कि इस तरह होता रहता है, जो साफी हैं वो अपना जो है ना अपनी इमेज अच्छी करने के लिए ना इस तरह की बातें शो से छोड़ते रहते हैं। असल से क्या मतलब है, पाकिस्तान के बने अभी 74 साल हो गए, वही मैं कर रहा हूं, गलत बोला है ना उसने। अब इसलिए इसको साफी किसने बना दिया, इनको जो मेरी बात सुनो तलफ़ुज़ और मतलब का नहीं पता, मेरी बात सुनो इसको साफी किसने बनाया, अफजल का ये कर रहा है, ठीक है ना यार। इस तरह इंडिया में भी खैर होता है, ये बोल सकता था जब का पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ तब का, ये मानने में आता है वकास, जब को पाकिस्तान मसला था इंडिया में, नहीं नहीं मुझे एक और बात समझ आई, ये बात ठीक कर रहा है, जो इंडिया नहीं कर सका वो हमारे अदारों ने कर दिया, इंडिया नहीं कर सका, अगर इंडिया चाहता तो हमारा पानी बंद करके मतलब के कर सकता था हमें।